एमर्स यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में टीवाई बीकॉम के परिणाम की मांग करते हुए एबीवीपी के छात्रों द्वारा कल दोपहर से भूख हड़ताल का प्रारंभ किया है, जिसके भाग रूप आज ये भूख हड़ताल पर बैठे वैसे तीन जितने छात्रों की हालत बिगड़ते हुए छात्र संगठन में भारी भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। बावजूद छात्र संगठन द्वारा अपने भूख हड़ताल का आंदोलन जारी रखा था। एबीवीपी के संघर्ष की कथा यथावत रहते हुए 20 घंटे के बावजूद एबीवीपी के विद्यार्थी भूख हड़ताल चालू रखी गई है। भूख हड़ताल पर बैठे वैसे विद्यार्थियों में से तीन विद्यार्थी की तबियत बिगड़ते हुए तत्काल रूप से छात्र सहित एमएस सत्ताधीशों में भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। जाहिर सी बात है कि एमएस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी फैकल्टी कॉमर्स फैकल्टी में टीवाई बीकॉम की परीक्षा लेने के 65 दिन बीत चुके हैं। बावजूद सत्ताधीशों द्वारा नियमानुसार अभी तक परिणाम प्रसिद्ध नहीं किया गया, जिसको लेकर एबीवीपी के छात्र संगठन द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के तहत कल दोपहर से ही वे लोगों द्वारा भूख हड़ताल का आंदोलन जारी रखा गया है। जब तक परिणाम नहीं घोषित किया जाएगा तब तक वे फैकल्टी के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वैसे ऐलान के बीच कल दोपहर से कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे। ऐसे में आज तीन जितने छात्रों की तबियत बिगड़ते हुए आज सत्ताधीश सहित छात्रों में भारी अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। एबीवीपी के छात्रों में से कुछ विद्यार्थी जिद पर अड़े रहते हुए जब तक परिणाम नहीं जारी किया जाएगा तब तक भूख हड़ताल पर बैठकर विरोध आंदोलन किया जाएगा, वैसी हट के साथ आज भी विरोध आंदोलन जारी रखा था, जिसमें से तीन विद्यार्थी की हालत बिगड़ते हुए तत्काल रूप से 108 के जरिए अस्पताल में भर्ती किया गया। तीन की हालत फिलहाल सुधार पर कही जा रही है। ऐसे में एक विद्यार्थी वहां पर तबियत बिगड़ने के बीच विद्यार्थी द्वारा भूख हड़ताल चालू रखी जाएगी, वैसा ऐलान कहते हुए बाद खुद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर आकर उनके द्वारा विद्यार्थियों के साथ चर्चा विचारणा की गई। जब तक परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल चालू रखी जाएगी, वैसे सूत्रोच्चार लगाते हुए एक वक्त के लिए एमएसओ सत्ताधीशों में भी भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। बावजूद अभी भी एबीवीपी के छात्र संगठन द्वारा अपनी हड़ताल जारी रखी गई है।